सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक गांव में आशा बहू की नियुक्ति की है ताकि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जनपद के बरसठी ब्लॉक के सोनाई गांव में पिछले 3 साल से आशा बहू न होने के कारण सीमा देवी सहित 700 लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे गांव में यही आशा की समस्या है, आशा नहीं है, हम लोग को दिक्कत पड़ती है। यही महिला को मतलब कुछ नहीं याद रहते हैं कि कोई क्या खा सके कोई क्या नहीं खा सके। टीका भी लेट मेरा हो गया, एक बार चौथे में लगाए थे, फिर जाके छठे में लगा जाए सतह में। तो मतलब कि क्यों इतना लेट हो गया? लेट आशा नहीं है इसके लिए इतना लेट हुआ ना, आशा होती बताती आती तो सास है बुढ़ापा उनको भेजते हैं बाजार पे, वो जाती है तो नहीं रहती दीदी, तो हमको यहीं से दो महीने लेट हो गया। तीसरे में जाके कभी 3 बुद्ध को मिले थी तो हम वहाँ पर जाके धानीपुर लगवाए थे। धानीपुर दूसरे गाँव में गई थी? हाँ दूसरे गाँव में लगवाए थे क्योंकि भनौर में जो लेट हो गया नहीं आशा है तो कहाँ जानकारी है। आपके गांव में क्या समस्या है? यही है मतलब डिलीवरी कराने के लिए कोई महिला हम लोग नहीं समय है, आशा नहीं है ना, नहीं आशा नहीं है। तो आशा नहीं तो क्या दिक्कत होता है ले जाने के लिए, ले आने के लिए कोई है इधर नहीं है। आपका कितना बच्चा है ना आपके? यही दूसरा नंबर डिलीवरी है, दोबारा डिलीवरी है। कितना महीना हो गया? लास्ट महीना। तो सरकारी में क्यों नहीं जाती जब प्राइवेट? तो आशा ही नहीं है तो हम लोग क्या प्राइवेट में जाना पड़ेगा? अभी जाओ ब्लॉक पे पूछेंगे तुम्हारे आशा कौन है, तो आशा ही नहीं सुनाई गांव में तो आशा कौन बताएंगे यहाँ पे। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि जौनपुर जनपद के CMO जिनका फ़ोन नंबर 0-5452-960-920 है, इस पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। मैं बबीता मौर्या जौनपुर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।